नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल विभाग नई भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और आप लोग मई के महीने तक आवेदन भी कर पाएंगे। आवेदन आपको ऑनलाइन करने होंगे और आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री रखा गया है। यहां तक कि इस भर्ती में सिलेक्शन पाने के लिए बिना किसी एग्जाम और इंटरव्यू के केवल और केवल कुछ यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन इतना क्लियर है कि बिना किसी रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप लोग अभी यहाँ पे देख पाएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, भारतीय खेल प्राधिकरण इसको बोलते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन या स्क्रीनशॉट नहीं ऐड किया गया है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया .nic.in की वेबसाइट पर है, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज का सेक्शन मिलेगा, आपको जस्ट इस पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे, ये नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे ओपन हो जाए इसके बाद हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पेज ओपन होने के बाद आप लोग इस पेज पे आ पाएंगे। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट कोच, यहाँ पे आपको वैकेंसी मिल जाएगी। और यहाँ पे अवेलेबल फॉरम आपको बताया गया कि 20/4/2021 से फॉरम अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, जिसको आप लोग ओपन की बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप लोग इसको डाउनलोड पे लगा देंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा और आपका जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। देन इसके बाद आप लोग स्क्रॉल करके यहाँ पे सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं उसको भी चेकआउट कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे जो आखिरी डेट है वो 20/5/2021 यानी कि 20 मई की रखी गई, यानी कि आपके पास काफ़ी टाइम होने वाला है आवेदन करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लोग 18 से लेकर 45 या 50 साल तक है तो आवेदन कर पाएंगे। और यहाँ पे जो वेतन है वो 41,420 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक रखी गई है। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन है शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर होगा, यहाँ पे बताया गया। इसके बाद यहाँ पे और भी कई सारी जानकारी, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आखिरी डेट से पहले फॉर्म जरूर भर दें। और आप सभी लोग इस वीडियो को, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोज के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, जहाँ से इस वैकेंसी के बारे में A to Z डिटेल में जानकारी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय खेल विभाग भर्ती 2021 के बारे में हम बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन दिखा दिया, ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दी है। अब आगे आवेदन कैसे और कहां से करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। बिना किसी परीक्षा के आपका सिलेक्शन होने वाला है शॉर्ट लिस्टिंग के थ्रू, और 10वीं पास है तो आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बड़ा मौका आ चुका है, जहां पे आखिरी डेट 20 मई 2021 की है, यानी कि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है आवेदन करने के लिए। फॉरम फीस बिल्कुल फ्री है, आप लोग घर बैठे निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चलते हैं अब ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए, अप्लाई ऑनलाइन फॉर 320 पोस्ट वैकेंसी के लिए आपको आवेदन करने होंगे। इसके बाद अधिक जानकारी के लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, वैकेंसी डिटेल है, जहाँ पे आपको 320 यानी कि 320 पोस्टें मिलेंगी। यहाँ पे आपको दो तरह की पोस्टें मिलेंगी, असिस्टेंट कोच और कोच की। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 24 अप्रैल 2021 से लेकर 20 मई 2021 तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद है आपकी उम्र, जो कि कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 50 यानी कि 50 साल की होनी चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन फीस है, जहाँ पे जनरल OBC या फिर SC ST किसी भी कैटेगरी का नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है, आप लोग निशुल्क आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे के बारे में, तो क्लिक हियर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होने वाला है। बात करते हैं कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेतन की बात करें तो वेतन के बारे में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे लगभग आपको 1,05,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये मंथली के पे किए जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको 20 मई
2021 तक आवेदन कर देना है ऐसे आई के डिपार्टमेंट से। आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पे ओरल टेस्ट और एकेडमिक बैकग्राउंड के बेस पे होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे अप्लाई का डाउनलोड फर्स्ट नोटिफिकेशन और सेकंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन और ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। आप लोग डायरेक्ट ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद ये लोडिंग लेके ओपन हो जाएगा। ये आवेदन आपको बता दें कि 20 तारीख से शुरू होने वाले हैं, यहाँ पे सॉरी 24 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं, तो अभी अप्लाई का लिंक एक्टिवेट नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन की बटन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा सो फाइल का। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि ओपन की बटन पे क्लिक करके आप लोग सिंपली इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे सर्वर स्लो है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं और चेकआउट करना चाहते हैं। तो जैसे ही सर्वर यहाँ पे लोडिंग लेने लगेगा, आपका नोटिफिकेशन आपके सामने जल्दी ही ओपन हो जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड करके भी रखा है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट डाउनलोड का ऑप्शन दे दूंगा, तो ओपन नहीं करना होगा। आप लोग आएंगे, क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। इसके आगे की प्रोसेस के बारे में, अप्लाई ऑनलाइन के बारे में आगे हम 24 अप्रैल के दिन बात करेंगे, जब ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करिए, डाउनलोड करिए और आप लोग ध्यान से इसको रख लीजिए कि आपको इसमें आवेदन करना है कि नहीं। और अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर आवेदन करिए। देखिए मेरा फाइल ओपन हो चुका है और इसके बाद आपको ये जो ओपन की बटन मिलेगी, आपको इस पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड की बटन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक असिस्टेंट कोच के लिए है और एक कोच के लिए है, तो आप लोग दोनों नोटिफिकेशन को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों ही फाइल ओपन हो जाएंगी इजिली, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे कोच के लिए है, इससे पहले वाला असिस्टेंट कोच के लिए था, इसमें 100 वैकेंसी है, उसमें 220 वैकेंसी है और सेम नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 1,05,000 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये तक का यहाँ पे आपका सैलरी रखा गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।